स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर जो हम फिजिकल एजुकेशन का 12th क्लास का प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर 30 में से 30 मार्क्स किस प्रकार से लाएं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से यदि ये वीडियो आपने पूरा देखा तो ऐसी कोई ताकत नहीं कि आपके 30 में से 30 नंबर काट सके। दोस्तों, मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, और कितने ही मैं एग्ज़ाम करवाने जाता हूँ, कितने ही अपने स्कूल में करवाता हूँ, एक्सटर्नल के रूप में भी जाता हूँ, इंटरनल अपने स्कूल में भी एग्ज़ाम करवाता हूँ प्रैक्टिकल के। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक गहराई से चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश यादव, फिजिकल टीचर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगा मास्टर सतीश में। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो 5 नंबर की जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल जो है बढ़िया कवर चढ़ाया, बढ़िया उसको डेकोरेट किया है और बढ़िया उसका इंडेक्स बनाया है, आपके फिजिकल टीचर के साइन है, प्रिंसिपल के साइन है, और बढ़िया से आपने उसके अंदर डाइग्राम लिखे हैं, पेंसिल से डाइग्राम के नीचे उसका मार्क किया है कि कौन सा डाइग्राम है, तो दोस्तों आपका जो फाइल का इम्प्रेशन है वो पीटीआई पर बहुत अच्छा जाएगा। और उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बाद जो साई खेलो इंडिया के तहत जो फिटनेस टेस्ट होता है उसके अंदर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि जो हम सबसे पहले फिटनेस टेस्ट के अंदर आता है 50 मीटर रेस, तो इसके अंदर हम खड़े खड़े 50 मीटर रेस आर यू रेडी बोलते हैं और फिर गो बोलते हैं। आपके पास क्लेपर होता है तो क्लेपर बजा देते हैं। आगे जो एक्सटर्नल पीटीआई होता है और जो उसका हेल्प में पीटीआई होता है वो टाइमिंग लेता है, और जिसका बेस्ट टाइमिंग होता है टाइमिंग के अनुसार इसके अंदर मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद में आ गया 600 मीटर रेस, 600 मीटर वॉक रन। तो इसके अंदर भी हमारा ये आप देख रहे हैं हमारे ग्राउंड तैयार है, ये 50 मीटर का है। उसके बाद में ये इधर हमने 200 मीटर का ट्रैक अपना तैयार कर रखा है प्रैक्टिकल के लिए। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, 200 मीटर के अंदर भी टाइमिंग से होता है, इसके अंदर भी टाइमिंग लेता है पीटीआई और वो टाइमिंग सभी का मेंशन किया जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं अपन सिट एंड रीच टेस्ट। एक बॉक्स लिया जाता है, बॉक्स के अंदर आपके जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपके लोअर बॉडी की वो देखी जाती है, या आप हम क्या करते हैं अगर बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो हम सीडीओ के ऊपर खड़ा होके और उसके अंदर पूरा इसका टेस्ट ले लेते हैं। वो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा इसके अंदर वीडियो के अंदर आगे। उसके बाद में बॉयज के लिए जो पुशअप्स होते हैं वो टाइमिंग से होते हैं, और मॉडिफाइड पुशअप्स जो होते हैं वो गर्ल्स के लिए टाइमिंग से होते हैं। तो ये चीज़ें फिटनेस टेस्ट के अंदर आ गई। अब अगला आता है वाइवा के अंदर योग, जो योगासन होते हैं, कौन कौन से हम आसन करें। तो वो आसन आपकी बुक के अंदर जो योगा एंड लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ डिजीज दी गई है उनके अंदर से कुछ आसने हैं, वो आसन आप कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने एक वीडियो सेपरेट आसन का, सभी आसन का एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है। सूर्य नमस्कार आप पूरा आना चाहिए, सूर्य नमस्कार का भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। इनमें से पीटीआई जो एक्सटर्नल आएगा वो कोई भी आपको एक बोलेगा कि पश्चिमोत्तानासन आप करके बताइए, उसके बेनिफिट बताइए, या आप अस्थमा जो हुए उसको क्योर करने के लिए आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं, या डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन कर सकते हैं, ओबेसिटी को क्योर करने के लिए आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आसन आपको स्टूडेंट्स ये आसन आपको करके बताने पड़ेंगे या उनके बेनिफिट्स पूछ लेते हैं। उसके बाद में फिर वाइवा के अंदर आपके बुक के अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप जिस गेम जो आपने मेजर गेम लिया है उस गेम के अंदर उसका पूरा आपको गेम का मेजरमेंट आना चाहिए, उसके स्किल्स आने चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, यदि इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे और जो आपने गेम लिया है वो गेम की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए अच्छी तरह से, कितने उसके अंदर ऑफिशियल्स चाहिए, क्या उसके रूल रेगुलेशन है, क्या स्किल्स है उसके अंदर, क्या मेजरमेंट है। और उसके बाद में फिर आप योगासन अच्छी तरह से कर लीजिए। वाई वाई का मैंने भी एक वीडियो, बहुत सेपरेट एक वीडियो आपके लिए, बहुत बढ़िया वीडियो डाल रखा है, तो वो आप वीडियो देख लीजिए, और एक मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं, यदि इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, और मैं आगे ये इसके अंदर आपको मैं पूरा जो फिटनेस टेस्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको ऐसी कोई
ताकत नहीं कि आपके 30 में से 30 नंबर को कोई काट सके। तो अब अपन फिटनेस टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो पूरा देखना, सबसे अंत में मैं आपको वाइवा दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वाइवा में क्या क्या पूछा जाता है। स्टूडेंट्स जो मैंने अपने मोबाइल नंबर डाले हैं, अगर प्रैक्टिकल में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपका तुरंत मैं जवाब दूंगा। फिनिश लाइन ये है, आप फिनिश करोगे तभी आपकी स्टॉप होगी, ठीक है, इंडिविजुअली, ठीक है, टाइमिंग वो नोट होगा आपका कि आप कितने मिनट में फिनिश कर रहे हो। बहुत सीट एंड रीच टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम बैंड होते हैं, नीचे झुकते हैं, तो हमारे जो हाथ होते हैं वो हमारे पंजे से जितने नीचे जाएंगे वो बेनिफिट होता है, जितने नीचे जाएंगे वो हमारा प्लस मार्क्स होते हैं, अगर हमारे पंजे से हाथ ऊपर है तो वो हमारा माइनस मार्किंग होता है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना। ये मेरे एब्सेंस हो रहा है सर, ठीक है, अभी क्या करके स्टूडेंट्स पुशअप्स के अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल जो आता है वो टाइमिंग देता है, टाइमिंग के हिसाब से हमें पुशअप्स करने हैं, या तो एक मिनट का टाइम देगा या आपको 30 सेकंड का टाइम देगा, तो ज्यादा से ज्यादा पुशअप्स हमें करने हैं उसके अंदर। तुम्हारा कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, अभी बाद में जाना, फटाफट सबका नंबर आ रहा है अभी। Thank you.
स्टूडेंट्स, गर्ल्स का जो मॉडिफाई पुशअप्स होता है वो भी टाइमिंग के हिसाब से ही चलता है। उसमें भी एक मिनट का या 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है। उसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई पुशअप्स करने होते हैं। ये तो बॉयज हटा से उधर चले जा, थोड़ी देर मैं सुनता हूं। ये मान दे क्यों नहीं हो रहा है। अब अगला इवेंट आता है आसन का, योगासन। तो एक्सटर्नल जो आता है वो आपको योगासन के लिए बोलेगा कि आप ये आसन करो, ये आसन करो, तो वो आपको करके दिखाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। स्टूडेंट्स, लास्ट के अंदर मैं आपको वाइवा का दिखाऊंगा, वो सबसे अंत में है। आप पूरा वीडियो देख अब आपको राइट साइड बेंडिंग करना है। यस, राइट साइड बेंडिंग, सेम पोजीशन। गोमुख आसन,
हेलो राकेश पश्चिमोत्थान आसन करना है। पश्चिमोत्थान आसन टेबल पे बैठ के एक एक आसन मैंने बताया था बेंच पे बैठ के आप ऐसे लेके आराम से आप ले जाकर फिर लो। आपको अपने आप पढ़ते रहिए, मुझे ऑब्जर्व करना है। आई विल ऑब्जर्व एट अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन। तो पूछ रहे इनको लग रहा है मास्क लग रहा है टक टक बंद होता है सर।
चलो चक्रासन, ए ये चक्रासन हमारे हाथ लगा यहाँ पीछे तो पीछे पर्वतासन सही है तेरा परफेक्ट है एकदम एकदम परफेक्ट आसन है चलो अर्ध मस्तेंद्र आसन करो अर्ध मस्तेंद्र आसन ये हेवी हेवी आसन ये अर्ध मस्तेंद्र आसन कर रहे हो सारे बुरी पड़ी है नीचे बुरी पड़ी है विवेक पाद हस्त आसन स्थिति एकदम परफेक्ट जैसे बताई थी मैंने वैसे हाथ लेके जाने कहां से क्या करना है खड़े हो जाओ वापस कैसे बताया था मैंने उसी से प्रोसीजर सेम थिंग यू ट्राइड इन योर जोली आल्सो उठा गया चलो ये पीछे Gracias.
Another one after the fork, and for your choice, skin, before asana, after the features of your hands, and for your choice, hand should not be repeated by anyone. Repeat name as स्पाइन आपकी नेक के वहां से राउंड आउट
लास्ट कॉर्नर गर्ल्स के नाम मत स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा होता है वाइवा। वाइवा के अंदर आपकी प्रैक्टिकल फाइल ली जाएगी, फाइल में से कोई भी क्वेश्चन एक्सटर्नल करेगा, जो आपने मेजर गेम लिया है उस गेम के बारे में पूरा पूछेगा, और वाइवा के अंदर आपकी बुक में से भी कोई भी क्वेश्चन पीटीआई पूछ सकता है, या जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर से नॉकआउट टूर्नामेंट का पूछ सकता है, बाइज का पूछ सकता है, इनके बारे में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्या प्रॉब्लम है? दर्शन की टीशर्ट बढ़िया था क्या? I need a hug. इस अमाउंट का क्या? इस अमाउंट का क्या सोच है? पान ले।